3 जून गौरव दिवस के अवसर पर नीमच में करीब 100 स्थानों पर ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच के लिए निशुल्क शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जांच उपरांत कार्ड बनाकर नागरिकों को दिए जाएंगे और उसके रिकॉर्ड का संधारण भी किया जाएगा। ये बात कलेक्टर दिनेश जैन ने कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। कलेक्टर दिनेश जैन ने पत्रकारों को बताया कि नीमच को स्वस्थ बनाने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग, अन्य विभाग, IMA और मीडिया के सहयोग से ये बड़ा आयोजन होगा। इस आयोजन में केमिस्ट एसोसिएशन, रोटरी, लायंस और अन्य समाजसेवी संस्थाएं भी भागीदार बनेंगी। उन्होंने कहा कि 50,000 लोगों की जांच का बड़ा लक्ष्य हमारे द्वारा रखा गया है। अधिक से अधिक लोग इस शिविर का लाभ लें। सभी नर्सिंग होम पर भी इसके काउंटर लगेंगे। मोबाइल यूनिट्स भी मंडी, CRPF, पुलिस लाइन और अन्य क्षेत्रों में चलाई जाएगी। उद्देश्य यह है कि BP शुगर की वजह से कम उम्र में हो रही गंभीर बीमारियां जैसे हार्ट अटैक वगैरह से बचा जा सके। नीमच गौरव दिवस के अवसर पर प्लान किया है हम लोगों ने कि शहर में काफ़ी जगह, मतलब करीब 90 से 100 जगह पर हम लोग कैंप लगा रहे हैं, जिसमें कि नागरिकों के एक तो ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर इन दोनों की जांच करके उनको एक कार्ड दिया जाएगा और रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा, उसका संधारण करेंगे। और नागरिकों से हमारी आपके माध्यम से अपेक्षा है कि इन सब कैंपों में, जिनमें कि स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों के अधिकारी रहेंगे, डॉक्टर्स भी रहेंगे, बड़ी संख्या में वहां पर आएं और अपने BP और शुगर का चेक कराएं, क्योंकि ये देखा गया है कि अक्सर लोगों को पता नहीं होता है कि ये बीमारियां उनको हैं और वो दवाइयां नहीं लेते हैं और अचानक फिर ऐसे घटनाएँ होने लगी हैं जिनमें कि कम उम्र के लोगों को भी अचानक हार्ट अटैक वगैरह या कोई गंभीर बीमारी से उनकी डेथ हो जा रही है। तो एक प्रिवेंशन के लिए नीमच नगर की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम ये उठाया जा रहा है, जिसमें कि हमारा लक्ष्य है कि 50,000 से ज़्यादा नागरिकों का एक ही दिन में BP और शुगर का टेस्ट करेंगे और उनको उनका कार्ड भी देंगे और डाटा भी संधारित करेंगे। और इस काम में हमें NGOs, IMA और आपके प्रेस के सभी साथीगण, इन सब लोगों का भी सहयोग हमें मिल रहा है। सब लोग मिलकर जो है नीमच को स्वस्थ बनाने के लिए दिशा में एक सार्थक प्रयास कर रहे हैं। इसमें बिल्कुल निजी चिकित्सालय में भी हमारा जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष जी से बात हुई है, सारे नर्सिंग होम्स में भी ये एक काउंटर रहेगा और वहाँ पर भी जाँच करेंगे। कुछ मोबाइल यूनिट्स भी बना रहे हैं, जैसे मंडी है, CRPF है, पुलिस लाइन है, प्रेस क्लब है, अन्य ऐसी जगहों पे जहाँ पे ज़्यादातर लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पे हम लोग इंतजाम कर रहे हैं। और केमिस्ट जो एसोसिएशन है वो भी इसमें सहयोग करके कुछ स्थानों पे वो लोग भी करेंगे। रोटरी क्लब, लाइन्स क्लब, ये सारे लोग इसमें भाग लेंगे।